सबसे बड़ी आर्मी है चीन के पास। जानिए चीनी सेना के कितने सक्रिय अंग हैं और क्या है उनकी भूमिका। हर जरूरी चीजों के साथ छोटा बड़ा देश सुरक्षा को भी प्राथमिकता की सूची में रखता है। इसके लिए हर देश की अपनी आर्मी यानी सेना होती है, साथ ही कई स्पेशल फोर्स और सीक्रेट एजेंसीज भी काम कर रही होती हैं, ताकि जंग की स्थिति में पहले से ही जरूरी जानकारी इकट्ठा व तैयारी कर लिया जाए। आर्मी की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन के पास है, वहीं इसके बाद भारत, यूएसए, नॉर्थ कोरिया व रूस आते हैं। आइए जानते हैं कि चीनी सेना के कितने सक्रिय अंग होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिका होती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चीनी सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1 अगस्त 1927 को किया गया था। पहले इसे लाल सेना यानी रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पीपल्स लिबरेशन आर्मी कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी विश्व की सबसे बड़ी फाइटिंग फोर्स के रूप में उभरी है और इसमें 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2021 में चीनी सेना के लिए 1.36 ट्रिलियन यानी करीब 209.16 बिलियन डॉलर का बजट रखा गया था, जो कि वर्ष 2020 का 6.8% ज्यादा था। इसके साथ पता लगाया जा सकता है कि चीन अपनी सेना को किस कदर मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अब जानते हैं कि चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कितने सक्रिय अंग होते हैं। चीनी सेना के सक्रिय अंग, पहला थल सेना। चीनी सेना का पहला सक्रिय अंग है थल सेना, जिसे PLAGF कहा जाता है। इस सेना का मुख्य काम जमीन और समुद्री सीमाओं की रक्षा करना होता है, लेकिन ये ज्यादातर जमीनी सुरक्षा पर ध्यान देती है। वहीं इसके 5 थिएटर कमान होते हैं, जिसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी व मध्य कमान शामिल होते हैं। चीनी नौसेना। चीनी सेना का दूसरा सक्रिय अंग है नेवी, जिसे PLAN यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी कहा जाता है। इसमें सैन्य जहाज, पनडुब्बी व समुद्री सुरक्षा बल शामिल होते हैं। वहीं इसमें डोंगहाई, नन्हा और बेईहाई नाम के जहाजी बेड़े भी शामिल होते हैं। पीपल की वायुसेना। PLA का तीसरा सक्रिय अंग होता है वायुसेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स कहा जाता है। ये सेना वायु सुरक्षा और वायु युद्ध को अंजाम देती है। इसमें एविएशन, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रेडार और एयरबोन क्रॉप्स शामिल हैं। PLA की रॉकेट फोर्स। चीनी सेना का चौथा सक्रिय अंग होता है रॉकेट फोर्स, जिसे PLARF के नाम से जाना जाता है। ये सेना देश की सुरक्षा से अहम भूमिका निभाती है। इनका नियंत्रण भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों पर होता है, जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर परंपरागत मिसाइलें शामिल हैं। स्ट्रैटेजिक सपोर्ट स्टाफ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पांचवा सक्रिय अंग होता है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट स्टाफ। ये स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फोर्स है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PLASSF के नाम से जाना जाता है। ये फोर्स जंग के समय सैन्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।